Good morning to all my dear students. Dear students, in the previous class, we have already discussed the exercise 1.1, question 1 and 2. First and second question we have already discussed. So today we will discuss the next question, question number 3. Now let's see the what is the question 3. Arrange the following numbers in descending order. किस में अरेंज करना हमें नंबर्स को? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. जो क्वेश्चन सेकंड था उसमें हमने नंबर्स को क्या किया था? असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था. असेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर्स का ऑपोजिट है. असेंडिंग ऑर्डर में किया था हमने कि सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटेस्ट. ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? ऑपोजिट है. हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलर, 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 देन सबसे स्मॉलर, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, हम क्या क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स, कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम चेक करेंगे, उनके प्लेसेस हम चेक करेंगे कि विच नंबर वी हैव टू राइट एट फर्स्ट. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कौन सा नंबर सबसे पहले लिखना है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर? सो इन दिस नंबर हाउ मेनी डिजिट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6. इन दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? मोर है. यहाँ 7 है, यहाँ 6 है. तो इन दोनों नंबर्स में से अगर हम पहले लिखेंगे तो कौन सा नंबर लिखेंगे? दिस वन, क्योंकि इसमें डिजिट्स क्या है? मोर है. नेक्स्ट नंबर में 3 and 3, 6. यहाँ भी डिजिट्स कितने हैं? 6. इन दिस नंबर ऑल्सो काउंट द डिजिट्स. डिजिट्स कितने मिले हमें काउंट करने के बाद? 6. सो द नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, थ्री नंबर्स में तो हमें सेम मिले. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6. बट ओनली इन वन नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस नंबर. एंड राइट दिस नंबर, हाउ टू रीड दिस नंबर? 86,87,882. अब ये नंबर क्या है? सबसे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है. तो जब हम नंबर्स को लिखेंगे, दिस साइन वी हैव टू पुट, अदरवाइज सेमीकोलन लगा के लीव द वन फिंगर स्पेस. क्लियर? नाउ अब हमें थ्री नंबर्स को डिसाइड करना है कि विच वन इज ग्रेटर. अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इन दिस ऑल्सो एंड इन दिस ऑल्सो. इन ऑल द थ्री नंबर्स 6 डिजिट्स आर गिवन. सो नाउ वी हैव टू चेक द हायर प्लेसेस. हायर प्लेसेस पे क्या है? 7. हायर प्लेसेस पे क्या है? 7. हायर प्लेसेस पे क्या है? 7. अब सेकेंड हायर प्लेस पे जाएंगे, 6, 8, 9. कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है? लास्ट वन. सो 794,321. सबसे पहले 86,87,882, सेकेंड नंबर, देन लास्ट फोर्थ नंबर, देन थर्ड नंबर 7,87,942, एंड सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? फर्स्ट वन, 7,67,892. क्लियर? इन दिस क्वेश्चन टोटल 5 पार्ट्स आर गिवन. सेकंड क्वेश्चन में बेटा 5 पार्ट्स थे, तो फर्स्ट पार्ट्स डन. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट आल्सो वी हैव टू डू द सॉल्यूशन इन द सेम वे. डिसेंडिंग ऑर्डर आपको सभी स्टेक क्वेश्चंस के साथ राइट करना है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वन पार्ट ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन. वन लाइन क्वेश्चन फिनिश होने के बाद लीव करोगे, वन लाइन क्वेश्चन के
एंड में, यानी कि टू लाइंस आपको लीव करनी है, वन फ्रॉम हेयर वन फ्रॉम हेयर, एंड ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6. बोथ द नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6. इन दिस 1 2 3 4 5 6. यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6. यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6. सॉरी बेटा, ये थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू. थर्ड पार्ट में क्या नंबर ऑफ डिजिट सेम थे और हायर प्लेसेस पे 1 था, दैट्स वाई आई चूज दिस पार्ट. क्लियर? सो सेकेंड पार्ट इज ईजी देन द फर्स्ट पार्ट, सो यू हैव टू डू यूर सेल्फ. सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑल द नंबर्स आर सेम. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं. सो अब हायर प्लेसेस पे भी सब में क्या है, 6 डिजिट होने के बाद सेम डिजिट है, सेम नंबर है, 1 है. तो यहाँ पे वी आर अनेबल टू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर, तो हम सेकेंड हायर पे जाएंगे, 3 3 2 1. अब सेकेंड हायर में भी क्या है, ये दोनों तो स्मॉल है, 2 एंड 1, तो इनको तो पहले राइट नहीं करेंगे, बट इन बोथ द नंबर, इन दोनों नंबर पे सेकेंड हायर प्लेस पे क्या है, 3 है. क्लियर? तो अब हमें इन दोनों में देख चेक करना है कि विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ तक 30, यहाँ तक 1,31,000 है और यहाँ 1,32,000 है. क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड हायर प्लेस 1 एंड थर्ड हायर प्लेस 2, तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ है कि दैट नंबर इज ग्रेटर. तो विच वन इज ग्रेटर, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा इनमें, 1,32,212 इज ग्रेटर देन दिस वन नाउ, 1,31,121 इज ग्रेटर देन. अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है, हायर प्लेसेस पे 1 था, देन 2 एंड देन 1, तो यहाँ पे सेकेंड हाई है दिस वन, सो वी हैव टू राइट दिस नंबर एट फर्स्ट. इट मीन्स 1,22,121 इज ग्रेटर देन 1,12,114. लाइक दिस वी हैव टू डू. क्लियर? सो इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड टोटल 5 पार्ट्स आर गिवन. 2 पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं, अदर 3 पार्ट्स, पार्ट सेकेंड, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, यू हैव टू डू योर सेल्फ इन द सेम वे. ऐसे ही आपको करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द ईच पार्ट यू हैव टू लीव द एटलीस्ट 2 lines. 2 lines आप लीव करोगे, देन स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के साथ आपको स्टेटमेंट भी राइट करनी है, डोंट राइट ओनली आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऊपर आप एक्सरसाइज तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो पहले ही, जब आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन किया है, सो नो नीड टू राइट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट राइट करोगे, फिर उसका फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, देन सॉल्यूशन. सेम वे में फिर सेकेंड पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द 5 पार्ट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. यूजिंग द गिवन डिजिट्स फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. कितने डिजिट्स का नंबर बनाना हमें, 4 डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन. डिजिट्स को क्या करना, रिपीट नहीं करना है. क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें डिजिट्स गिवन है, हमें उन्हीं डिजिट्स की हेल्प से नंबर फॉर्म करना है, नंबर बनाना है. कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सो दिस क्वेश्चन स्पेस इज गिवन इन द बुक, सो यू हैव टू डू इन योर बुक. ये वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही सॉल्व करोगे. क्लियर? सो डिजिट्स आर 2, 0, 4, 5. हम इसको 2045 रीड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हर डिजिट के बाद कोमा गिवन है. तो ये डिजिट्स है, नंबर नहीं है. नंबर हमें फॉर्म करना है, हमें नंबर तो बनाना है. तो जब ग्रेटेस्ट नंबर हम राइट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा डिजिट राइट करते हैं हम, ग्रेटर वन. तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है इन सब में, 5. देन
4, then 2, then 0. So the number is greatest number kya bana given digit se 5420. Kya bana? 5420. In the number don't put the commas after each digit. Har digit ke baad aap comma nahi lagaoge. Agar aap comma put karoge to after each period. Period ke baad aap comma write kar sakte ho. So ye once period hai, ye thousand period hai. To once period ke baad hum comma lagayenge after the three digits. Kyunki jo commas hote hain Indian place ke according, first comma three digits ke baad hota hai, fir other jo कॉमास होते हैं वो टू टू डिजिट्स के बाद होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड है वंस पीरियड उसमें थ्री प्लेसेस होते हैं और अदर पीरियड्स में सभी पीरियड्स में टू टू प्लेसेस होते हैं. क्लियर? अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है. सो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे कौन है? जीरो. बट व्हेन वी फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर, जीरो इज ऑलवेज ऑन द सेकेंड हायर प्लेस. हमेशा जो जीरो है वो सेकेंड हायर प्लेस पे राइट करते हैं, सबसे हायर प्लेस पे राइट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर हम बेटा यहाँ पे जीरो टू फोर फाइव ये नंबर राइट करेंगे तो यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 245. और ये जो नंबर है ये कितने डिजिट्स का रह जाएगा? थ्री डिजिट्स का. सो जीरो को कभी भी हायर प्लेस पे राइट नहीं करते हैं, तो वो अगर राइट की तो काउंट नहीं होगी. अब ये फोर डिजिट्स का नंबर है, सो जीरो को सेकंड हायर प्लेस पे आपको राइट करना है. अब क्या नंबर बन गए? 2045. हेयर कोमा इज गिवन 2045. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, डिजिट्स फाइव है, फोर है, वन है एंड थ्री है. तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो सबसे हायर डिजिट, बड़ा डिजिट क्या है? फाइव है. देन फोर, देन थ्री और देन वन. क्लियर? अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो सबसे छोटा कौन था? वन, थ्री, फोर, फाइव. अगर हमारे डिजिट्स में जीरो नहीं है तो क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको ओपोजिट, उसको उल्टा कर दो तो स्मॉलेस्ट बन जाता है. स्मॉलेस्ट को अगर हम उल्टा करके राइट करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट बन जाता है. बट अगर जीरो है तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हुए जीरो हमेशा लास्ट प्लेस पे, वंस प्लेस पे होती है, और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हुए सेकेंड हायर प्लेस पे होती है. क्लियर? नेक्स्ट 9837. इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो क्या आएगा? 9873. अब हम इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे 9873. नाउ वी हैव टू रीड इट 9873. क्लियर? और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो 3789. ओके, इट्स क्लियर टू ऑल? सो इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व द फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट. स्टूडेंट्स, बेटा आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट तो आपको जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करोगे तो जीरो कभी भी हायर प्लेस पे राइट नहीं करते. स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड हायर प्लेस पे राइट करनी है. सेकंड थिंग इज आपको कोमा हर डिजिट के बाद, यानी कि हर उसके बाद राइट नहीं करना है. कोमाज यू हैव टू पुट ओनली आफ्टर द पीरियड. अगर आप फोर के बाद भी, टू के बाद भी कोमाज लगा दोगे तो वो नंबर नहीं होगा, वो क्या रहेंगे? डिजिट्स रहेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग. क्लियर? सो टुडेज होमवर्क इज टू डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड इन योर फेयर नोटबुक एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन योर बुक. ओके, थैंक यू बेटा.